गाइज, ऐसा क्या हो गया था जो पूरी दुनिया ने रोनाल्डो का मजाक उड़ाया था? तो ये कहानी शुरू होती है 2016 के एक मैच से, जहां मेसी और रोनाल्डो की टीम आमने सामने होती है। वैसे आपको बता दूं कि पहले मेसी और रोनाल्डो के बीच काफी ज्यादा कंपटीशन हुआ करती थी। दरअसल 2016 में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच एक फाइनल मैच थी, और उस मैच में शुरुआत से ही काफी ज्यादा गर्मा गर्मी थी, और मैच के आखिर में मेसी और उसकी टीम ने रोनाल्डो की टीम को एक गोल से हरा दिया था, जिसके बाद मेसी ने अपनी जीत का डंका बजाते हुए अपना टी शर्ट उतारकर रोनाल्डो का मजाक उड़ाया था। लेकिन उस वक्त रोनाल्डो चुप रहते हैं और सही टाइम इंतजार करते हैं, और उसके ठीक एक साल बाद 2017 में रोनाल्डो और मेसी फिर से आमने सामने होते हैं। लेकिन मैच के हाफ टाइम तक रोनाल्डो मैच से बाहर होते हैं, और जब रोनाल्डो को भेजा जाता है तब रोनाल्डो आते ही दो खतरनाक बैक टू बैक गोल दाग देते हैं और अपनी टीम को जिता देते हैं। फिर रोनाल्डो ने भी पूरी दुनिया के सामने अपना टी शर्ट उतार कर अपनी जीत का डंका बजाते हैं। रोनाल्डो के फैन लाइक करो और मेसी के फैन कमेंट करो।